दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रोटर का स्टैम्पिंग है, V3 का रोटर हम बनाने वाले हैं। ये कॉपर का सरिया और ये लेमिनेशन, इन्हीं तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें कॉपर के रोटर बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले रोटर बनाते हैं। एक स्टैम्पिंग का बादा ले लेते हैं और उसमें इस कॉपर के सरिया को डालकर जितना हमें स्टैम्पिंग लेना है उतना स्टैम्पिंग ले लेते हैं। और फिर पीछे दो लेमिनेशन लगा देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 18 होल आ जाते हैं रोटर के स्टैम्पिंग में, और इन्हीं होल पे हमें 18 सरिया, कॉपर का सरिया डालनी होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 18 कॉपर का सरिया को हमने डाल दिया, और ऊपर भी वही कॉपर का लेमिनेशन हमें लगाना होता है। कुछ इस तरह से लेमिनेशन को बिठा देते हैं। अब देख सकते हैं रोटर के ये केवल बांदा जो है कंप्लीट हो जाता है रोटर का। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक शाफ्ट आ जाती है जो कि जिसकी साइज है 22 mm की शाफ्ट है, और उस शाफ्ट को इस रोटर पे हमें लगा के प्रेस मशीन पे बिठा देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं रोटर के शाफ्ट को हमें प्रेस मशीन पे प्रेस करके कुछ इस तरह से रोटर पे शाफ्ट को बिठा देना होता है। और कुछ इस तरह से रोटर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद चलिए यहाँ पे ब्रेजिंग करना होता है, यानी कि कॉपर का जो सरिया हमने अंदर लगाया है उसका और लेमिनेशन का और एक दूसरे कॉपर के सरिया से यहाँ पे गैस वेल्डिंग करके हमें इसको ब्रेजिंग करना होता है। यदि हम यह नहीं करेंगे तो रोटर हमारा नहीं घूमेगा। और उसके बाद चलिए इसको लेथ मशीन पे लगा के जहाँ पे हमने ब्रेजिंग किया हुआ है वहाँ पे कट लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अब देख सकते हैं उसके बाद चलिए बुशिंग का साइज निकालते हैं शाफ्ट पे, यानी कि जहाँ पे हमारा बुशिंग में शाफ्ट घूमता है उसका साइज लेथ मशीन पे कट लगा के निकालते हैं। अब देख सकते हैं उसके बाद पीछे का बेयरिंग का साइज हमें निकालना होता है जहाँ पे बेयरिंग घूमता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बेयरिंग का ठेबा। और चलिए अब रोटर के ओडी पे कट लगाते हैं, यानी कि यदि हम ऐसे ही रोटर को बॉडी पे डालेंगे तो रोटर हमारा नहीं घुसेगा, इसलिए हमें 1 mm का यहाँ पे कट लगाना होता है। और दोस्तों 1 mm का यहाँ पे हमें कट लगा देना होता है। यह दोस्तों V3 सबमर्सिबल मोटर का रोटर है जो कि 1 HP का है। उसके बाद पीछे साइड, आगे साइड चलिए हम बुशिंग का साइज निकालते हैं। और दोस्तों बुशिंग का साइज निकालने के बाद आगे का ठेबा निकालना होता है जहाँ पे हमारी ऑयल सील जहाँ पे हमारी लगी रहती है, और जहाँ पे कप्पल यानी कि स्लीव जो मोटर कप्पल आता है वो लगा रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बेयरिंग का ठेबा, ये बुशिंग साइज, ये रोटर की बॉडी, ये आगे की बुशिंग साइज, यहाँ पे ऑयल सील, यहाँ पे रोटर का स्लीव आ जाता है और रोटर कुछ इस तरह से दिखने लगता है। चलिए दोस्तों पीछे का यानी कि आपने देखा होगा जहाँ पे बेयरिंग का लॉक लगाता है लगाते हैं हम, यानी कि बेयरिंग को लॉक करने के लिए उसका खांचा कुछ इस तरह से बनाना होता है। अब देख सकते हैं बेयरिंग लॉक का खांचा, यहीं पे बेयरिंग का लॉक लगता है जिससे बेयरिंग लॉक हो जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटर जो है हमने टर्निंग कर दी, और यह बूश है 21 mm का जो रोटर की
इस शाफ्ट पे घूमता है। आप देख सकते हैं अभी ये बूश जो है रोटर के शाफ्ट पे नहीं जा रहा है, इसलिए अभी इसमें आधी अधूरी प्रोसेसिंग बाकी है, यानी कि इस ये शाफ्ट जो है अभी प्लस में है बूशिंग साइज से, इसलिए इसे हम शाफ्ट को ग्राइंडिंग करना होता है ग्राइंडिंग मशीन से, यानी कि वहाँ पे पॉलिश जैसा हो जाता है रोटर का शाफ्ट, जिससे बूशिंग बहुत कम जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब देख सकते हैं अभी बूश जो है शाफ्ट के अंदर नहीं जा रहा है, और जब हम ग्राइंडिंग कर देंगे पॉलिश मार देंगे इस शाफ्ट पे तो बूश जो है हमारा आराम से शाफ्ट पे चला जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्राइंडिंग मशीन पे हमें ग्राइंडिंग करना होता है। यहाँ पे एक पत्थर आता है जो कि पॉलिश करता है शाफ्ट को, यानी कि शाफ्ट को बिल्कुल चिकना पॉलिश जैसा कर देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग कर दिया और ये अब हमारी बूश जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हैं अंदर चली जाती है और बहुत ही फ्री घूमने लगती है। और भी चलिए रोटर आपको मैं दिखाता हूँ। ये सब दोस्तों ग्राइंडिंग हो चुके हैं, पॉलिश हो चुके हैं इस रोटर पर, आप देख सकते हैं। और इस बूश को यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से अंदर चली जाती है। और अब रोटर पे जहाँ पे ओडी पे हमने कट लगाया था वह भी उसको भी हमें अच्छे से पॉलिश करना होता है इस ग्राइंडिंग मशीन पे, यानी कि ग्राइंडिंग करना होता है रोटर को। और ग्राइंडिंग करने के बाद रोटर जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब इस रोटर को देख सकते हैं यहाँ पे हमने पॉलिश नहीं किया हुआ है, खुरदुरा जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिश हो गया है, यह कितना चिकना चिकना दिखने लगता है।